90% कार्यकर्ता अधीर अध्यक्ष से नाराज हैं, उनकी कार्यप्रणाली से नाराज हैं। कोई इस पार्टी में कोई एक विशेष व्यक्ति अगर उसको अपने आप को वही सब कुछ समझने लग जाए तो ऐसी विचारधारा इस पार्टी में नहीं है। मैं संतुष्ट तो देखिए कोई नहीं है। वो जिला नेतृत्व की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग मुझे ज्यादा समझदार हैं। मुझे कोई नाम लेने से कोई हिचकिचाहट नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई डर है। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, नाम भी तो होगा अशोक जी हमारे जिला अध्यक्ष। कुछ लोग जो हमारी पार्टी में घुसपैठ कर गए हैं, वही लोग जो है ना पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। कार्यक्रम चलते रहने चाहिए अलग अलग। मेरा नाम वीरेंद्र छोटा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में युवा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेन बॉडी में मैं जिला का महामंत्री रहा हूँ और पीछे मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य किसान मोर्चा का। आज 9 साल सरकार को पूरे हुए हैं, जिला अध्यक्ष को पानी पी जाते। आज सभी साथियों ने, कल ये कुछ प्रमुख कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, उन्होंने यह निर्णय लिया था कि जो कुछ कार्यकर्ता है जिन पर संगठन की तरफ से कोई सूचना नहीं जाती, हम उन सभी पुराने कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाकर लोकल जिला अध्यक्ष के अनुराज में देखिए। कोई इस पार्टी में कोई एक विशेष व्यक्ति अगर उसको अपने आप को वही सब कुछ समझने लग जाए तो ऐसी विचारधारा इस पार्टी में नहीं है। उसकी पता नहीं क्या सोच है, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, ये तो जानकारी आप उन्हीं से ले। तो कुछ कार्यकर्ताओं की, जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनकी नाराजगी है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। कई बार उनके गांव में भी कार्यक्रम होते हैं, उनमें भी उनको सूचना नहीं होती, तो ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो अभी धनखड़ जी आए थे, उन्होंने कई बैठकों में अलग अलग बैठकें, छोटी टोली की बैठक ली थी, कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके संज्ञान में ये बात डाली है। माननीय धनखड़ जी बहुत ही पुराने हमारे जनसंघ से लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष तक पीछे मंत्री रहे हुए हैं, बहुत सुलझे हुए हमारे नेता है। उनके नेतृत्व में हमारा हरियाणा में संगठन मजबूत हो रहा है और वो इस विषय पर जल्दी संज्ञान लेंगे। देखिए, हमारा कार्यकर्ता ऐसा कार्यकर्ता है जो निस्वार्थ कार्यकर्ता, बिना स्वार्थ के ये सभी कार्यकर्ता बिना स्वार्थ से पार्टी है जुड़े थे। ऐसी कोई बात नहीं कि उससे एक अकेले व्यक्ति से ये लोग घर बैठ जाएंगे। मैं नहीं मानता, ये लोग 2024 में दोबारा केंद्र में सरकार बनाएंगे और सभी विशेष रूप से कार्य में लगे भी हैं और जोर से लगेंगे आगे। आज कार्यक्रम कमिल में चला हुआ है, जहाँ पर सांसद भी आए हुए हैं, क्या सांसद से भी कोई नाराजगी है? नहीं नहीं, हमारा और किसी से कोई नाराजगी नहीं। सांसद जी का कोई अपना अलग कार्यक्रम होगा, उसमें कोई वो पार्टी के अलग अलग कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो इसमें हमारा किसी सरकार से कोई नाराजगी नहीं। देखो, मैं तो मीटिंग में अभी अचानक रूप से आया हूँ और देखने में आया कि 90% कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष से नाराज हैं, उनकी कार्यप्रणाली से नाराज है। भाई उनको ऐसा क्या, जिलाध्यक्ष जो बीजेपी की जो सोच है, सबका साथ सबका विकास, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलना चाहिए। और इतने सीनियर साथी भी, जो सीनियर नेता भी हैं, इनमें कई बैठे हैं, वो भी सभी इसी बात को लेकर के भारी मात्रा में नाराज हैं। और मैं मानता हूं अगर ये नाराज़गी दूर नहीं की गई तो इसका आने वाले समय में गलत संदेश जाएगा। क्या ऊपर भी शिकायत की जाएगी मनमानी की गई? देखो, तो ये जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, जैसे वीरेंद्र छोट जी हैं, ये तो निर्णय ये लेंगे जो भी संगठन में इन्होंने जो कार्य करनी है। यहाँ जो जमीनी स्तर, मेरा मानना यह है भाई, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष से पूर्ण रूप से नाराज है। अज असं वेले ही हाँ, बुढ़े हो गए, हूँ असा की करना, हूँ तो पार्टी के नाल पार्टी का काम करी जाएंगे, जो भी साढ़े को जिम्मेवारी। कार्यक्रम तो बीजेपी कार्यालय में चला हुआ है जी, वहाँ क्यों नहीं गए? हाँ जी, पार्टी का कार्यक्रम तो बीजेपी कार्यालय में चला हुआ है। हाँ, काम करी जाएंगे। तो 2009 फिर मैं प्रदेश कार्यक्रम सदस्य आ रहा हूँ, 2012 च अल्पसंख्या प्रदेश कार्यकर सदस्य रहा वहाँ, तो पूरा संघर्ष किया है बीजेपी ने, बहुत असा मेहनत की है। असी कई बार गड्डी भी थले ले जाती, मरनों मसा बचे हैं, पर साड़ी पूछ नहीं हुई। हम सब जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के वर्षों वर्षों पुराने कार्यकर्ता हैं। और रही बात जिला अध्यक्ष की,
जिला अध्यक्ष की हमारी व्यक्तिगत कोई उनसे नाराजगी नहीं है, ये कि कार्यकर्ता को जब सम्मान नहीं मिलता, कार्यकर्ताओं को जब दरकिनार किया जाता है अपने निजी हितों के लिए, पार्टी को जब परिवार का हिस्सा समझ लिया जाता है, अपने घर की जागीर समझ लिया जाता है, तो उन कार्यकर्ताओं के मन में पीड़ा होती है जिन्होंने वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके झंडे को और डंडे को गली गली और गाँव गाँव तक पहुँचाने का प्रयास किया हो। अगर सत्ता में आज हम लोग बैठे हैं, और वो बात अलग है कि हर व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, सरकार से हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन जब लोग इस प्रकार के हालात हमें आकर के भारतीय जनता पार्टी के बताते हैं कि आपकी स्थिति पतली है, हमने अपने संघर्ष के साथ, अपने खून और पसीने के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक लाने का प्रयास किया और हम उसमें कामयाब हुए, एक सफल प्रयास हमने किया था, आज वो जब स्थिति हमें पतली मालूम पड़ती है तो हमें महसूस होता है कि जो हमने मेहनत की थी वो कहीं ना कहीं बेकार हमारी जा रही है। कुछ लोग जिन्होंने पार्टी को अपने घर की जागीर समझ लिया है, वो इस पार्टी को ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं अपने निजी हितों के लिए। वो नहीं चाहते कि काबिल लोग जिन्होंने भाजपा जिनसे मजबूत होगी, जिनके अंदर कोई गुण है, वो भाजपा में आएंगे, भाजपा आगे बढ़ेगी, उससे उनका व्यक्तिगत नुकसान होगा। मुझे लगता है वो अपने आप को कहीं छोटा महसूस कर रहे हैं कि वो जब पुराने कार्यकर्ता एक बार फिर हम आगे बढ़ेंगे तो उनका खुद का नुकसान होगा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो पुराने कार्यकर्ताओं को इग्नोर कर रहे हैं और उनको दरकिनार कर रहे हैं। आज भाजपा की स्थिति देखिए, मैं भाजपा का पुराना कार्यकर्ता होने के नाते कहूँगा कि भाजपा से हमारी कोई नाराज़गी नहीं, और हम तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और माँ से कोई बच्चा कभी नाराज़ हो नहीं सकता। ये हमारी व्यक्तिगत नाराज़गी उन लोगों से है जिन्होंने पार्टी को 5-7 लोगों तक ही सीमित कर दिया, एक दायरा पार्टी का बना दिया कि 5-7 लोगों से बाहर भारत भाजपा नहीं है, इसलिए हमारी उनसे नाराज़गी। वो जिला नेतृत्व की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, मुझे कोई नाम लेने से कोई हिचकिचाहट नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई डर है। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, नाम भी तो होगा अशोक जी हमारे जिला अध्यक्ष, और भारतीय जनता पार्टी में जन्म से ही मैं जन्म पैदा हुआ है, संघ से लेकर के जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में काम करता रहा हूँ, हल्का का प्रधान रहा हूँ, पंचायती राज प्रकोष्ठ की जिले की जिम्मेवारी है, सहकारिता प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी है, और मैं स्टेट कार्यकारिणी में भी काम किया है, और आज की व्यवस्था को देखते हुए जो हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा लेकर के हम चले हैं, चल रहे हैं, आज कुछ लोग हमारे में घुसपैठ ऐसी आ गई है, पार्टी की जो नीतियां हैं उसके ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह लग गई है, तो आज की जो व्यवस्था है, हम अपने स्टेट अध्यक्ष हैं धनखड़ जी हैं, रामबिलास जी हैं, हम इस व्यवस्था के बारे में उनको जानकारी देते रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा होता है। एक बार बराड़ा साहब से भी मैंने कहा व्यवस्था कुछ गड़बड़ा गई है, कुछ लोग कह रहे हो, कुछ लोग हाँ कौन है वो पार्टी में, कुछ लोग जो हमारे पार्टी में घुसपैठ कर गए हैं, वही लोग जो है ना पार्टी का नुकसान कर रही है, बीएसपी से भी आए हैं, लोकदल से भी आए हैं, उन्होंने एक मजबूरी बस कहा था भी पार्टी का विस्तार करना है, विस्तार करने के बजाय वो पार्टी के अंदर ही अंदर नुकसान भी कर रही है, समझे ना मेरी बात है। तो मैं ये बात बराड़ा साहब से बोलिया, मैं कहा जी ऐसी व्यवस्था ठीक है ना, बराड़ा साहब ने मुझे एक बात कही थी, यदि ऐसा ना करते तो सरकार नहीं आती। कार्यकर्ताओं से क्या फर्क पड़ रहा है, कार्यकर्ताओं को जो पुराने कार्यकर्ता है, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ कोई धोखाधड़ी हो गई है, तो धोखाधड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि चापलूस लोग जो है ना पदाधिकारी बन गए हैं बाहर से, दूसरे पदों से पार्टियों से आकर के, पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं, दूसरी पार्टियां जो कार्यकर्ता उन्होंने घुसपैठ की है वो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिन में जो है जिला अध्यक्ष की वो है पद होता है, आपने उससे भी शिकायत की है, जिला के जो हमारे जिला लेवल पे तो हम जो हमारे विशेषकर जिला प्रधान है, तो इस टाइम जिला प्रधान भी एक चापलूसों से गिर चुके हैं, और उनकी मजबूरी है, मैं ये क्लियर कह देना चाहूँ, वो चापलूस लोग जो उसका इर्द गिर्द घूम रहे हैं और वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जिला का अध्यक्ष जो है निष्ठावान है, पार्टी के प्रति समर्पित है, डेडिकेटेड है, लेकिन मजबूरी है उसकी। आपने भाषण में कहा था भाई जिला अध्यक्ष ही जो पार्टी को तोड़ने का काम कर, हाँ जिला अध्यक्ष नुकसान कर रहे हैं पार्टी को, ये बात मैं मानता हूँ, जो व्यवस्था काम करने का तरीका है वो पार्टी को नुकसानदायक है इस प्रकार की, क्योंकि वो चापलूस लोगों से गिर चुके हैं और वो दूसरों की बात नहीं सुन रहे हैं, अब जो जमीन से जुड़े हुए पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनकी अनदेखी हो जा रही है, और हम इस बात का कोई परवाह नहीं करते, हम नक्की की परवाह कोई चिंता है, हम तो पार्टी से जुड़े रहेंगे, लेकिन ये जो लोग हैं ये जो आज पार्टी की विचारधाराओं को प्रभावित कर रहे हैं
नुकसान कर रही है, ये चले जाएंगे एक दिन। तो आज परिस्थितियाँ ऐसी बन गई है, पार्टी को नुकसान हो रहा है, लेकिन आम लोगों के बीच में तो पार्टी सत्ता में है सब कुछ है, लेकिन जब कर्नाटक की हालत क्यों हुई है, इसी कारण हुई है जो कर्नाटक। आपको लग रहा है सर किसी एक व्यक्ति की वजह से पार्टी दो टुकड़ों की नजर आ रही है? नहीं नहीं, एक व्यक्ति नहीं है, कुछ लोगों की विचारधारा के कारण जो चापलूस लोग हैं उनकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। एक व्यक्ति तो मतलब कई बार राजनीति में ऐसा होता है कि अपनी व्यक्तिगत हित के लिए चापलूस लोगों को लगाना पड़ता है, उसको लग रही है, लेकिन वो ये नहीं समझा कि पार्टी को नुकसान हो रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और मिलकर के हम सब एक ही, क्योंकि हमारे जो नेता हैं दुनिया के लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, और हमारे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, भारत के हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके दिशा निर्देशों में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से इन 9 वर्षों के गौरवशाली जो भारत बना है उसको लेकर के सब कार्यकर्ता, उसके अंदर कोई नहीं छूटेगा, सब कार्यकर्ता मिलकर के जन जन तक जाने का काम करेंगे। और जितने भी हमने काम किए हैं, जितनी भी योजनाओं के लाभ पहुंचे हैं, जिनका लोगों को सुखद अनुभव हुआ है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज कराया और उसका इलाज हुआ है, उसको एक व्यक्ति को फीलिंग महसूस होती है कि नरेंद्र मोदी जी ने गजब का काम किया। नहीं देखिए देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, क्योंकि कहीं नहीं है, अच्छा है, कार्यक्रम चलते रहने चाहिए अलग अलग।